नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम पर। मेरा नाम विकास वर्मा है। मैं आज से आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। जनरल साइंस काफी एग्जाम्स में आने लगी है, मतलब लगभग सभी एग्जाम्स में जनरल साइंस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे तो एक सेक्शन ही पूरा जनरल साइंस का देने लगा है, इसीलिए जनरल साइंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जनरल साइंस में अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसमें हम जीव और पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे जीवों के जीवन के बारे में पूरे अध्ययन करते हैं, उनके जीवन से लेकर उत्पत्ति, उनके क्रियाकलाप, मतलब वो अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उनके, और मृत्यु तक का अपन पूरा अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पर जीव विज्ञान को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी होती है अपनी जंतु विज्ञान, ठीक है दोस्तों। बॉटनी कहते हैं अपन वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन इसमें आगे। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अब बायोलॉजी विषय पढ़ रहे हैं तो अपन बायोलॉजी की शुरुआत किसने की, किसने बायोलॉजी विषय के बारे में पहले अपन को बताया? फादर ऑफ बायोलॉजी है अपने अरस्तु। इंग्लिश में इनको कहते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु अपने फादर ऑफ बायोलॉजी है। फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर, बायोलॉजी अपन पता करते हैं। बायोलॉजी को सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनस, दो वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं जूलॉजी की तरफ। जूलॉजी अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? नाम से ही पता चला जूलॉजी जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या पढ़ेंगे अपन? जंतुओं के बारे में, मतलब जीवों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और बॉटनी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति समझ में आ रहा है? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, अपने पादप वगैरह के बारे में अपन अध्ययन करेंगे बॉटनी के अंतर्गत। जूलॉजी के अपने फादर हो गए हैं कौन? अरस्तु। बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे किया? वर्गीकरण के पिता कौन है? अपने कैरोलस लिनियस। अपने फादर ऑफ बॉटनी थे थियोफ्रेस्टस। इनने अपनी, इनकी बुक है एक हिस्टोरिका प्लांटिना, इसमें इन्होंने पादपों के बारे में बताया है। अब अपन करते हैं जीवधारियों का वर्ग। बायोलॉजी के बारे में अपनी बात हो गई, अपन करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, मतलब जीव जगत में कितने जीवधारी है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी इंग्लिश में, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इन्होंने पादपों को दो वर्गों में बांटा है, मतलब इन्होंने बॉटनी को जीवधारियों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया है। पहले में क्या है अपना? पादप जाति, और दूसरे में है अपनी जंतु जगत। पहले में अपना पादप और दूसरे में है जंतु जगत। पहला क्या है? पादप जगत, प्लांट किंगडम, और दूसरे में जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है दोस्तों। इन्होंने दो भागों में बांटा है, जीवधारी वर्ग ने दो भागों में किया है। लेकिन और इनकी एक बुक है सिस्टम नेचर, इसमें इन्होंने इस वर्गीकरण को बताया गया है इनके, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले किसने की? इन्होंने तो वर्गीकरण कर दिया, पर सबसे पहले वर्गीकरण बारे में बताया किसने? तो वो थे अपने जॉन रे ने सबसे पहले वर्गीकरण का बारे में बताया है हमें। फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस, उन्होंने इसको दो वर्गो में बांट दिया, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत में अपन क्या करेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पादपों के, पेड़ पौधों के। जंतु जगत में क्या करेंगे अपन? एनिमल के बारे में
पढ़ेंगे। लेकिन इनके बाद भी एक और वैज्ञानिक आए अपने जीव विज्ञान संबंधित 1969 में, R.H. अम्बेडकर 1969 में एक अपने वैज्ञानिक हुए आर एच हिटकर। इन्होंने वर्गीकरण को 5 भागों में डिवाइड किया। इन्होंने जीवधारी वर्ग कितने भागों में किया? 5 भागों में जीवधारियों को वर्गीकृत किया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? जान लेते हैं। इन्होंने 5 भाग में किया, उनके 5 भाग हैं। पहला है मोनेरा, ठीक है दोस्तों। सेकंड है, पहला है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, और थर्ड है अपना पादप, फोर्थ है कवक, और फिफ्थ है एनीमेलिया। थर्ड है अपना पादप, कवक, और पांचवा है एनीमेलिया, ठीक है दोस्तों। अपन के बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं। आर्य हितकर ने जीवधारियों को 5 भागों में किया। इन्होंने कैरोलस लीनियस के बाद और विस्तार में अपन को वर्गीकरण के बारे में बताया है। सबसे पहले देखते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या है? वर्गीकरण 5 भागों की है। पहला है अपना उसमें मोनेरा। इस जगत में सभी प्राकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। मोनेरा के बारे में और अपन विस्तार से जानते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? सूक्ष्मतम व सरलतम होती है। ये सबसे प्राचीन है, अपनी पृथ्वी में सबसे प्राचीन है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बारे में पहले बताया, तो मोनेरा जगत अपना सबसे प्राचीन है। ये जीवन की, जहां पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना हो, मतलब बहुत कम संभावना में भी ये जीवित रह लेते हैं। जैसे मिट्टी, जल, वायु, गर्म जल के झरने, मतलब गर्म जल के झरने से मतलब अपना गर्म जल के झरने से 80 डिग्री सी के टेम्परेचर पर भी ये अपन को जीवित अवस्था में मिल जाते हैं। जहां पर रहना थोड़ा मुश्किल है वहां पर भी ये 80 डिग्री सी के टेम्परेचर, या अपन कह सकते हैं हिमखंडों की तली, जहां पर टेम्परेचर अपना माइनस में चला जाता है, -10 -20, वहां भी अपन को ये मिल जाते हैं मोनेरा जगत के जीव, ठीक है। इसके बाद आता है रेगिस्तान, जहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, जैसे गर्म जल का झरने का भी टेम्परेचर हाई है, वहां भी ये मिल रहे हैं, रेगिस्तान में भी ये अपन को मिल जाते हैं, ठीक है। इनके बारे और जाने, इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका की भित्ति होती है वो काफी सुदृढ़ होती है, मतलब हार्ड होती है, कठोर होती है, आसानी से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए कहीं भी ये अपन को मिल जाते हैं। इनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इनके अंदर केंद्रीय झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका और लिप्टिका नहीं होती, मतलब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है, गोल्जिका होती वो भी इनमें नहीं पाया जाता है। अब जानते हैं इनके अंदर के, जैसे मोनेरा के अंदर क्या क्या जाना अपन ने, जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में बता दें, एक्टिनोमाइसिटीज से अपन को एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। जी मोनेरा में जो एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं, इनसे अपन को प्रतिजैविक मतलब औषधि बनती है, जो एंटीबायोटिक वो भी अपन को मिल जाती है। आर्की बैक्टीरिया जानते हो, आर्की बैक्टीरिया क्या है? सबसे प्राचीन जीवित जीवाश्म है, जीवों का जो जीवाश्म होता है सबसे प्राचीन क्या है अपना, आर्की बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया क्या है? इन्हें नीले हरित शैवाल भी कहते हैं, या इनको प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन भी बना ले, प्रकाश संश्लेषण ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन ने एक शब्द और पढ़ा था प्राकैरियोटिक। प्राकैरियोटिक का मतलब जानते हैं, प्राकैरियोटिक क्या होता है? इनके अंदर इनकी केंद्र स्पष्ट केंद्र, प्राकैरियोटिक मतलब जिनका केंद्रक अपन को स्पष्ट ना हो, केंद्रक और जीवद्रव एक ही एक दूसरे में मिक्स होते हैं, उन्हें अपन प्राकैरियोटिक, मतलब इनके केंद्रक के बाहर अपनी आवरण नहीं पाया जाता, आवरण रूपी एक झिल्ली होती है जो वो नहीं पाई जाती, जिनमें झिल्ली पाई जाती उन्हें अपन क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक। उनके अंदर केंद्रक है, उसके बाहर एक अपनी झिल्ली भी लगी हुई, उसे कहेंगे अपन यूकेरियोटिक। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा में जानते हैं प्रोटिस्टा क्या होते हैं। इस जगत में क्या है अपने, विविध प्रकार के एक कोश की जिनमें एक कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है, जैसे जलीय जीव और यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक हम आपको बता ही चुके हैं, जिनकी केंद्रक के बाहर एक और आवरण के रूप में एक झिल्ली लगी होती है, उनका केंद्र क्या होता है, स्पष्ट, वो झिल्ली से जीवद्रव अलग रहेगा और केंद्रक अलग रहेगा, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो यूकेरियोटिक में
जिनकी झिल्ली के पाई जाती है केंद्रक के बाहर, जिससे जीवद्रव और केंद्रक अलग अलग रहते हैं। बहुत अब इनके बीच में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं अपन, युगलीना। युगलीना प्रोटिस्टा जी है, उन्हें प्रोटिस्टा और पादप के बीच, मतलब जंतु और पादप के बीच में एक पाया जाता है युगलीना नाम का, जे ना पादप में आएगा ना अपना प्रोटिस्टा में। जे क्या होते हैं, स्वकोशी भी होते हैं और इतरकोशी। स्वकोशी मतलब खुद का भोजन भी बना लेंगे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, और जब प्रकाश नहीं मिलेगा इन्हें तो दूसरे से जी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। स्वकोशी भी होते हैं इसलिए जी इतरकोशी भी होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं अपन पादप की तरफ। नेक्स्ट है अपना पादप। पादप में क्या है, पादप प्लांट। ठीक है दोस्तों, प्लांट के बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर वो आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय अपने किस में आ गए, प्रोटिस्टा में। अब पादप में क्या आएंगे, बहुकोशिकीय। ये रंगीन होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सबसे ज्यादा ये अपना भोजन खुद, पादप क्या है प्रकाश संश्लेषी, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन खुद बनाएंगे। प्रकाश की उपस्थिति भोजन बनाए तो अपने को क्या कह सकते हैं, उत्पादक भी कह सकते हैं। तो अपने पादप क्या है, उत्पादक का भी काम करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं अपना। ठीक है दोस्तों, इनके अंदर क्या आते हैं, जैसे शैवाल, मॉस, पुष्प या अपुष्पीय बीज वाले पौधे, जिनमें बीज होते हैं वो भी इसमें आएंगे, और जिनमें बीज नहीं होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है कवक। कवक के बारे में जान लेते हैं, कवक क्या होते हैं। कवक या इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगी। ठीक है दोस्तों, कवक इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक हम आपको बता ही चुके हैं, जिनमें केंद्र के बाहर एक झिल्ली होती है, और परपोषित का मतलब दूसरे से अपना भोजन बनाएंगे, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर है ये। ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, एब्जॉर्ब करके, किसी चीज से किसी चीज को एब्जॉर्ब करेंगे भोजन को, और अपना पोषण करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सभी मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मृत वस्तु से भी अपना भोजन बना लेते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक एक पदार्थ होता है उसकी बनी होती है। अब अपन चलते हैं एनीमेलिया पर। एनीमेलिया, एनीमेलिया क्या होता है जानते हैं। टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट है एनीमेलिया। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसको जान लेते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं अपने, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जितने भी जंतु हैं अपने वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे उपभोक्ता, उत्पादक अपने किस में आ गए थे, पादप ने उत्पादक थे। अब उपभोक्ता होंगे जो अपना पादपों से अपना भोजन बनाएंगे, उपभोक्ता जी सम्मिलित किए जाते हैं। इनका दूसरा नाम भी है एक अपना मेटाजोआ, इनको अपन मेटाजोआ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप या उभयचर। उभयचर का मतलब क्या है, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उन्हें अपन उभयचर कहते हैं। पक्षी तथा स्तनधारी, सभी प्रकार के स्तनधारी जीव और सभी प्रकार के पक्षी किसमें आते हैं, एनीमेलिया या मेटाजोआ में आते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है जीवों का नामकरण। अपन ने जीवों का वर्गीकरण कर दिया, अब उनको कैसे पहचानेंगे कि उनका नाम क्या, नाम करना पड़ेगा तभी अपन को उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अपन ने बायोलॉजिस्ट के आगे पढ़ेंगे जीवों का नामकरण। जीवों का नामकरण करना, अभी वर्गीकरण हो गया कि पादप जो है, फंगी जो है, एनीमेलिया है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। अब उस जगह उसके अंदर भी तो काफी पादप या जंतु हैं, तो उनको अपन किस नाम से जानेंगे इसकी अपन को जरूरत पड़ी। इसके लिए अपन ने उनका नामकरण किया, जीवों का नामकरण। जीवों का नामकरण, अब जीवों के नामकरण में क्या है, जीवों का नामकरण हुआ 1753 में, और इसको भी किसने किया, कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। जीवों का नामकरण 1753, कैरोलस लिनियस। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, नाम अपन कैसे रखते हैं, एक होता है अपना नामकरण करना है तो सबसे पहले क्या आता है अपना वंश का नाम, जेनरिक नेम, नेम या वंश। सबसे पहले अपन किसी जीव को देखना है तो कुछ किस वंश का है जी, अपन को पता करने पड़ेगा कि वो किस वंश से आता है, जेनरिक नेम सबसे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अपन जानते हैं उसकी जाति का नाम, वो किस जाति का।
सबसे पहले किस वंश का है, फिर किस जाति का है, जाति नेम नाम या स्पेसीज, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसीज नेम। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या रखा गया, जितु के दोनों क्या है, लेटिन भाषा के दो शब्द हैं, जेनेटिक नेम और स्पेसीज नेम लेटिन भाषा से लिए गए, लेटिन भाषा के दो शब्द हैं। अगर इसके बाद अगर तीसरा शब्द लगाया, जैसे किसी का नाम है, अपन मनुष्य का ही देख लेते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस लिन, तो लिन क्या है उसमें, अपन ने होमो तो हो गया अपना जेनेटिक नेम, सेपियंस हो गया स्पेसीज नेम, लेकिन लिन क्या है, लिन उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने उस जाति के बारे में अपन को बताया, मेन अपने वंश नाम और स्पेसीज नाम ही है, जैसे मनुष्य का हो गया होमो सेपियंस। इसमें ये क्या है, वंश का नाम, ये जाति का नाम और ये नामकरण वाले वैज्ञानिक, नामकरण करने वाले वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है होमो सेपियंस, लेकिन अपन हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जंतुओं के या पौधों पादपों के अपन वैज्ञानिक नाम जानते हैं, जानते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम या पादपों के वैज्ञानिक नाम। पहला है होमो सेपियंस मनुष्य का, सेकंड राना टिग्रीना मेंढक, थर्ड फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली, फोर्थ है कैनिस फेमिलियस कुत्ता, नेक्स्ट है बोस इंडिकस गाय, सिक्स है मस्का डोमेस्टिका मक्खी, नेक्स्ट मैग्नीफेरा इंडिका आम, नेक्स्ट ओरिजा सटाइवा धान, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं, धान को अपन चावल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पाइजम सटाइवम मटर, सीजर एरेंटियम चना और ब्रासिका कैपेस्ट्रिस सरसों, ये अपने कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम है जो अपने एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको अपन याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।